subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update.
bomb blast, terrorist, government kya kar rahi hai, opposition party, CM ki istifa ki mang kar rahi hai, ye sab kuch padha aapne Mr. Sudarshan Sinha? Ji Mukhyamantri sahiba. मगर अब तक किसी भी टेररिस्ट ग्रुप ने टेररिस्ट नफरत है मुझे शब्द से सिन्हा साहब आप ही पार्टी लीडर हैं आपको भी जवाब देना होगा इन सब सवालों का हेलो कमिश्नर साहब अब आप ये मत कहिए कि आप अब तक नाकामयाब हैं क्योंकि ये शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है अगर आपने 8 घंटों में ये केस सॉल्व नहीं किया तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके डिपार्टमेंट को कितना नुकसान हो सकता है अकाल तुम्हारे चारों भाई जो इस देश में आतंक फैलाने गए थे पकड़ गए तुमने मुझे बुरी खबर सुनाने की हिम्मत की और सोचा कि अकाल खुश हो जाएगा तुम नहीं जानते कि मुझे मेरे भाई अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं बर्बाद कर दूंगा इस देश को मुझे मेरे भाई चाहिए अकाल चीफ मिनिस्टर गायत्री देवी का हुक्म है उन चारों को रिहा न किया जाए और फांसी के तख्त पर पहुंचाने की कसम खाई है उसने तो फिर ढूंढो किसी को जो बिकाऊ हो रेगिस्तान जैसी खामोशी ये बांसुरी की आवाज कैसी घबराओ मत चलो जो डर गया वो मर गया ये बांसुरी तू भी जाना था सुनी हाँ ए सुन पुलिस चौकी में ताला किसने लगाया कुछ पूछा हाँ ए कौन क्या साहब बिना पढ़े लिखे ही थानेदार बन गए भैरव सिंह की कहानी तो स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाते हैं और फिल्म वाले भी आए थे उस पर पिक्चर बनाने मैं आ गया हूँ उसकी फिल्म का आखिरी सीन लिखने कहाँ है तुम्हारा ये भैरव सिंह वो सबको नहीं दिखता पर उसे सब दिखता है मजा आ गया तेरी पिस्तौल की नली बिल्कुल सीधी है तेरा निशाना बिल्कुल सदा है भैरव सिंह तुम ये और भैरव सिंह भैरव सिंह को देखने से तेरी आंखें जल जाएगी थानेदार या फिर काला चश्मा लगाकर लाठी लेकर वापस जाना है
ये ले, पैरों से तेरे निशानेबाजी में फिदा है। ये ले नजाना बतौर और उल्टे पैर तू गांव से वापस चले जा। चार तोहफे मुझे भी पहुंचाने भैरव सिंह के पास। बहुत देख लिया तेरा सर का थानेदार, अब थोड़ी कसरत हो जाए। ये सब क्या हो रहा है? आपका स्वागत है। स्वागत? और तुम? मैं यहाँ का मुखिया थानेदार साहब। यानी तुम सब भैरव सिंह से मिले हुए हो? कौन भैरव सिंह? ये तो भोला है, बड़ा भोला है, मेरा बेटा भोला है। भोला? हाँ थानेदार साहब, हम तो आपकी दिलेरी और ईमानदारी परख रहे थे। क्या है ये सब? ये सब इसलिए कि स्वर्ग जैसे गांव में भोला किसी डरपोक या बेईमान थानेदार को कैसे आने देता। अब हमें इत्मीनान है कि आपकी सरपरस्ती पर गांव की हिफाजत सही होगी। यानी भोला तुमने ये सब हमें जांचने के लिए किया है? थानेदार साहब, गांव के लिए तुम अपनी जान भी दे सकते हैं। भोला के जिस्म पे चोट सिर्फ दिल पर लग सकती है और कहीं नहीं। आइए थानेदार साहब, थाने की जिम्मेदारी संभालिए। भोला थानेदार की जय! थानेदार की जय! भोला की जय! भोला की जय! चलिए अपने घर जाइए, चलिए। इस पर तो ताला है। ताला ही तो है ना, ये लीजिए। आइए थानेदार साहब, आइए आइए। मैंने कहा अंदर आ जाओ। मैंने कहा नमस्ते जी, आप रुकिए, मैं अभी आया। उनकी बीवी है। अच्छा। मेनका जी, हम आपका स्वागत करते हैं। ये क्या हो रहा है? फिक्र मत कीजिए, आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं थाने साहब, हम तो इसके चलने की बात कर रहे थे। तेरी ये हिम्मत, तू मेरी बीवी को हाथ मारता है? आप भी इसके चलने पर इतराज कर रहे हैं? मैं इतराज नहीं करता हूँ, मैं काम तमाम करता हूँ। आप बुरा मत मानिए, वो भोला की बहन जैसी है। सारे गांव की लड़कियां जानती है कि 6-7 साल से भोला को अचानक न जाने क्या हो जाता है, उसे खुद पता नहीं चलता और उसकी आंख खुद चल जाती है। खुद चल जाती है? हाँ, आपको यकीन नहीं होता तो कल सारा गांव आपको सबूत देगा भैया दूज के त्योहार पर। अगर ऐसी बात है तो आप इसका इलाज क्यों नहीं करवाते? कितने वही धक्के मुख को दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। पता नहीं न जाने भोला के यही आपको क्या हुआ। किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? इस गांव खेड़े में डॉक्टर कहां से आएगा? डॉक्टर तो आ चुका है। आ चुका है? मेरी बीवी डॉक्टर है। हाँ, भोला की इस बीमारी की जांच पड़ताल मैं करूंगी। मुखिया साहब, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, बैठ जाइए। जरे डॉक्टर ने ऐसी क्या बीमारी बता दी है? अगर बीमारी बताएगी तो इलाज भी तो बताएगी, आप परेशान क्यों हो रहे हो? 2 मिनट में सब पता लग जाएगा। भोला बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो आंख उसकी अपने आप ही चल रही है? इसकी एक ही वजह हो सकती है। बहुत पहले एक ऐसा केस हुआ था जब एक जुड़वा भाई की हरकतों का असर दूसरे पर पड़ता था और दूसरे को ये पता ही नहीं चलता था कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। अपने भोले के साथ भी तो ऐसे ही होता है ना? लेकिन अगर भोला का कोई जुड़वा भाई है तो मुखिया जी,
भोला का कोई जुड़वा भाई तो नहीं? जुड़वा भाई? नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता, पूरा गांव जानता है भोला, भोला मेरी इकलौती औलाद है, मेरी इकलौती औलाद है। फिर तो भोला को किसी शहर के अस्पताल में ले जाकर पूरी जांच पड़ताल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, न जाने क्या क्या करना पड़ेगा, शायद ऑपरेशन भी करना पड़े। ऑपरेशन? यानी कि चीर फाड़ मेरे भोला के साथ? नहीं नहीं डॉक्टर नीचे नहीं, शायद आंख का ऑपरेशन करना पड़े। यानी कि आपकी मारपीट? देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते, सर का भी ऑपरेशन हो सकता है, शायद चेहरे की किसी नस में गड़बड़ हो, पहले वजह भी तो ढूंढनी होगी ना, दो चार ऑपरेशन भी हो सकते हैं। नहीं, मेरे भोला के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मारपीट, ये चीर फाड़। लेकिन मुखिया जी, डॉक्टर जी, आज मैं सच सच कहूंगा, भोला का एक जुड़वा भाई है, मैंने आपसे झूठ बोला और ये झूठ मैं भोला से और गांव वालों से 24 साल से बोल रहा हूं, भोला मेरी संतान नहीं है, मेरी शादी के 7 साल तक जब मेरी कोई संतान न हुई तो मैंने शहर जाकर अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने की सोची, और जब तक मैं अनाथ आश्रम पहुंचा तो मैंने देखा एक आदमी 2 बच्चों को अनाथ आश्रम के बाहर रख रहा था, मैंने जब उससे अपनी इच्छा जाहिर की तो उसने मुझे दोनों बच्चों को लेने के लिए कहा, क्योंकि वो जुड़वा थे, दिखने में जुड़वा नहीं लग रहे थे, दोनों में से भोला नादान लगा, 2 बच्चों को गोद लेना मेरे बस में नहीं था, उन दोनों में से मैंने भोला को चुना और उसे अपने साथ ले आया, मुझे लगता है वो बच्चा जो मैं वहां छोड़ आया था वो भोला का ही जुड़वा भाई है। भाई, मेरा भाई। लाइन मार ले रे बाबा, लाइन मार ले, अरे लाइन मार ले रे बाबा, लाइन मार ले, लाइन मार ले रे बाबा, लाइन मार ले, तुझको जो पसंद हो उस पे दिल हार ले, तुझको जो पसंद हो उस पे दिल हार ले, 4 दिन की है जिंदगानी मस्तानी, हाय 4 दिन की है जिंदगानी मस्तानी, ये जवानी है दीवानी इस प्यार में गुजार ले। तुझको जो पसंद हो उस पे दिल हार ले, तुझको जो पसंद हो उस पे दिल हार ले, 4 दिन की है जिंदगानी मस्तानी, ये जवानी है दीवानी इस प्यार में गुजार ले। रिक्शा में, रिक्शा में, कार में, कार में, बस में, ट्रेन में, रिक्शा में, कार में, क्लब, सिनेमा, होटल, बियर बार में, क्लब, सिनेमा, होटल, बियर बार में, गली में, मोहल्ले में, चौक में, बाजार में, स्कूल में, कॉलेज में, शादी त्योहार में, स्कूल में, कॉलेज में, शादी त्योहार में, जिसको जहां मौका मिले, अरे जिसको जहां मौका मिले मारे वही लाइन, लाइन हो जो क्लियर तो कहे यू आर माइन। 4 दिन की है जिंदगानी मस्तानी, ये जवानी है दीवानी इस प्यार में गुजार ले।
डिस्को में, ऑफिस में, पार्क में, खुली सड़क पे, हर एक दुकान में, खुली सड़क पे, हर एक दुकान में, बूढ़े जवान यहाँ लाइन सभी मारते, फैशन है अब ये सारे हिंदुस्तान में, फैशन है अब ये सारे हिंदुस्तान में, हर जगह लाइन का, हर हर जगह लाइन का ही चक्कर है यारो, डरो नहीं दुनिया से खुल के लाइन मारो, चार दिन की है जिंदगानी, मस्तानी ये जवानी है दीवानी, इस प्यार में गुजार ले, लाइन मार ले। हाय हाय, तो चले। लाइन मार ले बाबा, लाइन मार ले, लाइन मार ले बाबा, लाइन। ए अंदर आना नहाने को। आदत नहीं है मुझे नहाने की। आदाब करीम भाई। हाँ सनी, आजा आजा बैठ बैठ, ये ले। अरे आपको जुबेर। हाँ करीम भाई। गाड़ी का स्पेयर पार्ट बना दे। अरे अभी इसके साइकिल बना देता हूँ। तेरे 10,000। आप मुझे सिर्फ टायर के पैसे दे रहे हैं? अरे नहीं भाई, पूरे गाड़ी के पैसे दे रहा हूँ तेरे को। देख अपने यहाँ फिक्स प्राइस, इंडियन गाड़ी 10,000, इम्पोर्टेड गाड़ी 15,000, खल्ला क्या? मुन्ना भाई सही कहता है, कहता है करीम भाई एक ही लाठी से घोड़े और गधे को हाँक देता है। कौन मुन्ना भाई? वही जिसने आज रात को मुझे क्लब में बुलाया है। पता मुन्ना भाई क्या कहता है? कहता है कि सनी तेरा वक्त कोई नहीं जानता, तू जैसे हीरे को सिर्फ मैं पहचान सकता हूं। मतलब तू उसके साथ धंधा करेगा अब? मुन्ना भाई आज रात को अपन से डील कर रहा है। चलो करीम भाई, कहा सुना माफ, पता नहीं इस जन्म में कभी मुलाकात होगी या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं बात करने का, बैठ जा तू। ये ले, ये 10 और ये 10, 20,000, खुश हो जा तू। अबे साला हरामी, तूने मेरा सब कुछ कैसा लिया। है यार साला हरामी तो तू है, तेरे को और कोई घर नहीं मिला था पैदा होने के लिए, देना प्लीज। जो मेरे माँ बाप का घर पैदा हुआ वो तेरा नहीं, वो घर मेरा है। ऐसे है मेरे के लिए तेरे यहाँ तो सारे पैसे दे चुका है। अरे चुप हो जा यार, सुना नहीं देता। तुम लोग भाइयों की क्या हो, हमेशा झगड़ते रहते हो, भाइयों का रिश्ता ऐसा ही होता है क्या? शुक्र है अपना कोई भाई भाई नहीं है। तू बियर देता है कि नहीं? जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वही बंदर। खुदा हाफिज नाइट क्लब, कल फिर आऊंगा। ये रे राजे, कुछ दे दे सेठ। बाबा घंटे भर पहले अपन सेठ था, अब सब खलास। साहब ये ऐसा वैसा सब क्या होता है अंदर? ऐसा वैसा सब होता है जो बाहर नहीं होता, लड़कियां, शराब। कुछ देगा क्या साहब? देख बाबा, फिलहाल जो तेरी हालत है अपन से अच्छी है। अपन राजा की तरह जीता है और फकीर की नींद सोता है। इन जेबों में घंटे भर पहले 1,000 रुपए थे, अब 0। देख ले जो मिला वो तेरा। क्या साहब? और बिंदास हाथ डाल दे यार और आजमा ले अपने नसीब को। देखना देखना
क्या साहब, अपुन का फिरकी लेता है, अपुन को नहीं मांगता बाबा, फटी हुई जेब में हाथ डलवाता है, नहीं मांगता है अपुन को। मैं मजाक कर रहा था यार, अब दूसरी जेब में देख, नहीं मांगता। अरे देखना, देख देख देख, साहब ये तो 100 रुपए का नोट है साहब। अरे बोला ना बाबा, पहली बार अगर फटी मिली तो दोबारा ट्राई करने का। साहब आपका क्या होगा साहब? देख अपन किसी का कोई कर्ज कोई ऐसा नहीं रखता है, प्यास लगी तो कुआं खोदता है, हर बार अलग अलग टेस्ट का पानी पीता है, होंठ सूखे तो नजरों के सामने कुआं खुद ब खुद आ जाता है। चल तू जा, कुछली बंद कर। सलाम साहब। नमस्ते। इंस्पेक्टर साहब मेरी जान खतरे में है, मुझे ससुराल ले चलो प्लीज। भाई साहब। हाँ जी। आप बता सकते हैं पता किधर है? हाँ यहाँ पास में ही है, लेफ्ट लेके सामने बगल में। शुक्रिया। नमस्ते भाई साहब। भाई साहब क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मदद चाहिए तो बड़े कलेक्टर के पास जाने का, अपने पास वक्त का बहुत मारा मारी है। डिमांड रखने से पहले अपना डिमांड सुनने का, लड़के को गोद लेना है तो 25,000 रुपया, लड़की का 15,000 रुपया, सौदा अगर पड़ता है तो इधर रोकड़ा रखने का, अंदर जाने का, सेलेक्ट करने का, बाहर आने का, सिग्नेचर मारने का और फूटने का। क्या हमारे गांव में किसी के मुंह की तरफ पैर रखना बदतमीजी कहलाता है? ए, तो गांव से मेरे को यहाँ तमीज सिखाने को आया है क्या? हम अपने भाई की तलाश में आए हैं, हमें आपकी पुरानी फाइल में से कुछ जानकारी चाहिए। डिटेल छोड़ के जा, 15-20 दिन के बाद यहाँ आने का, पता लगाने का। 24 साल पहले भाई पिछड़ गए, अब हमसे 20 दिन नहीं रहा जाएगा, 20 मिनट में ढूंढ के दीजिए ना। ए, तेरा खोपड़ी किसके रहे क्या? चल फोट। टेबल के उस तरफ से आपकी आवाज में बेकार ही ऊंचा सुर लग रहा था, अब बताइए आप क्या बोल रहे थे? इस बार अगर गले से सही सुर नहीं निकला तो मैं आपकी हलक की ट्यूनिंग कर दूंगा। ए भाई, तुम तो मुझे गेंद बनाकर खेल रहे हो। मेरे भाव, बता बता तुझे क्या पूछना है, मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाऊंगा। क्या? आज से 24 साल पहले एक बच्चा आपके यहाँ आया था, आप? और वो बच्चा सिर्फ 1.5 दिन का था। हाँ याद है आपको? पूछता है याद है आपको? अरे 14 बरस तक हमने जो बनवास काटा है वो रामचंद्र जी ने भी क्या बनवास काटा होगा। क्या? आप तो बहुत बड़े हो गए होंगे ना वो? बहुत बड़े हो गए होंगे, जाते जाते अनाथ आश्रम का गल्ला ऐसे साफ करके गया जैसे बिल्ली दूध का प्याला साफ करती है। अरे मंदिर में रखे चिल्लर भी उठा के लेके गया, 1 हफ्ते तक मेरे को बीड़ी पीने को पैसा नहीं था। क्या? आजकल कहाँ होंगे वो? वो आजकल पुलिस डिपार्टमेंट से अपनी आरती उतरवा रहे होंगे। पुलिस अफसर बन गए वो? मैं जानता था। नहीं पुलिस अफसर नहीं, पुलिस अफसरों की वो 24 घंटे की ड्यूटी बन चुके हैं, इस शहर के नामी टपोरियों में नाम है उनका।
अगर उसे ढूंढना है तो किसी हवालात की खाक छानो। अरे हो सकता है किसी काल कोठरी में वो समाधि लगा कर बैठे हो। ए शनि, तेरे को मिलने के लिए भाई लोगों का एक भाई आया है। ए कालिया, चल तू भी बाहर। कालिया भाई, फिक्र मत कर, अपन है ना बाहर। हाँ देख, बाहर बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, ठीक है। तेरी बहन, मेरा भाई कहाँ है? शायद दो दिन की जेल की हवा ने उसे बदल दिया है। वो रहा तेरा भाई, काली जैकेट वाला। भाई कैसे हो मेरे भाई? भाई हाँ, मेरे बिछड़े भाई। बिछड़ा भाई? हाँ, तू मेरा जुड़वा भाई है। जुड़वा भाई? हाँ, मैं तुझे लेने आया हूँ। अच्छी बात है, मगर ये कानून की सलाखें जो बीच में है? तू फिक्र मत कर मेरे भाई, तेरे हर जुर्माने की कीमत मैं अदा करूंगा, और भी है मेरे पास। भाई अरे कमाल है, वही बाल, वही आंख, वही सूरत, वही बॉडी, ऐसा लग रहा है कि मैं आईने में देख रहा हूं। हाँ कुछ हाइट का प्रॉब्लम है, जमीन थोड़ी ऊपर नीचे ना, इसलिए। तू मुझे पहचान गया? पहचान लिया? अरे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, लेकिन मुझे यहां से निकाल दो भाई। यार तेरे पैसों ने तो कमाल कर दिया। सलाम। ओए औलदार, ये बीड़ी देना। ये देख, अंदर घास भी नहीं डालते, बाहर बीड़ी पिलाते। अरे कुछ भी बोलो यार, मामला सही जमाया तूने, एकदम फिट। लेकिन अब बता, कौन है बे तू? तुम्हारे भाई। देख ज्यादा लंबी मत खींच, जो रिकॉर्ड तूने थाने में बजाया था ना, एकदम सही था। लेकिन अब बता किसने भेजा तुझे? करीम भाई ने, यूसुफ भाई ने, लाला भाई ने, या पीटर ने? जुड़वे भाई, हम आपके जुड़वे भाई हैं। आप हमारे जुड़वा भाई हैं? अरे वाह, दिखने में ना तो राम और श्याम, ना सीता और गीता, लेकिन फिर भी जुड़वा, क्या सीन है। लेकिन हम दूसरी तरह के जुड़वे भाई है भाई। तू तो गले ही पड़ गया ना, हथकड़ी खुलवा के राखी बांधने के चक्कर में है क्या? देख अपन आजाद पंछी है, अपना ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, ना कोई दाएं ना कोई बाएं, ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, ना कोई मामा ना कोई मामी, ना कोई चाचा ना कोई चाची, ना कोई दीदी ना कोई दा दा। चलता है क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा, भाग जा यहां से। फिर आग क्यों मारा? आग क्यों मारा? आग क्यों मारी? अबे आग क्यों मारा तेरी तो मैं। भाई, ओ मेरा जुड़वा भाई, कहा था तू मेरा जुड़वा भाई। असली भाई? असली भाई। तुम बहुत थके हुए हो गए ना? चलो कुछ खाकर आते हैं। हाँ चलो चलो भाई। वाह क्या सीन है, तुम्हारी पसंद का कुछ रह तो नहीं गया ना भाई? तुझ जैसा मनपसंद भाई मिल गया, और क्या चाहिए, तू खाना। भोजन हमारे लिए पेट की पूजा होती है, एक तपस्या जैसी। बिरयानी में कंकड़, भाई
सुनो, मेरे को मारता है, मेरे को मारता है। मर गया। साला इसके पास गोले भी हैं और डोले भी हैं, इसका इस्तेमाल किया जाए। एक टपोरी, अब कान खोलकर सुन ले, मुझसे पंगा लेने का मतलब मेरे पूरे खानदान से पंगा लेने का, मेरे भाई से पंगा लेने का, समझा? क्या हुआ भाई? ए ये कमीने साले, आपका पैसे वाला बक्सा लेकर भाग रहे थे भाई। भाई बक्सा ही ले जा रहे थे ना, तकदीर तो नहीं ले जा रहे थे। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो हम कंगाल हो जाते। चलो चलो। क्या हुआ भाई, ये क्यों रो रहे? सारा खानदान ही कुछ ऐसा है, इसका बाप साला खच्चर था और ये गधा निकला। ए, जो कुछ भी बोला है मेरे बाप को बोला, मेरे को कुछ आवाज मत बदल, आवाज मत बदल। क्या कर साले क्यों रो रहा था, याद है? यार बेचारा मेरा दोस्त है, पहले लोगों को पैसे उधार देता है, जब वापस लेने जाता है तो लोग उसे अंगूठा दिखा देते हैं। भाई क्या लोग इनके पैसे नहीं लौटा रहे? अरे मना किया था यार, कितने बार मना किया? 5 बार मना किया था कि दयावान बन, मगर लोगों को देखकर दया कर, सुअर कहीं। भाई मारता गायब है यार, अरे लोग मुझे सर जॉन कहते हैं। नमस्ते, नमस्ते। देखा चुप साले, मैं तो बिना पैसे लिए तुझे मारता हूँ, लोग तो तेरा पैसा खाकर तुझे ही मारते हैं और फिर कहता है शनि मेरा पैसा वसूल कर। थक्कन कहेगा। कौन है वो जो आपका पैसा नहीं लौटा रहा? अरे बाप रे, जब मेरा भाई सवाल करता है क्या? तेरा भाई? हाँ, जब मेरा भाई सवाल करता है तो जवाब दे। बता किधर है जब्बार जिसके सामने तू और तेरा सड़वा बाप सारा भीख मांगता था? बोल कहाँ जाओ तेरी वसूली करने? सम्राट होटल। ओ नहीं, 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 ये काफी है। होटल सम्राट भाई, होटल सम्राट।
क्या बात है, कमाल है। सब ठीक तो है ना? क्या धुलाई की है, क्या पिटाई की है, वाह वाह कमाल हो गया, क्या सीना है। ए, थोड़ा उसको दे दे, कुछ उसको दे दे। नहीं नहीं ठीक है, मैं दे देता हूँ। अरे नहीं नहीं ले रहा। अरे नहीं नहीं आप रख, दूध पी लेना, आप दूध पी लेना। अरे नहीं, ओके ओके, थैंक यू। चलो हाँ चलो, थैंक यू। भैया अरे और कितने कत्ल की सुपारी लाए हो भैया? अरे नहीं 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 नहीं, सुपारी कत्ल की नहीं, जान बचाने के लाया हूं। जान लेने वाला जान बचाने की बात करने लगा। कसाई अगर बकरे पालेगा तो बकरे काटेगा कौन? हा, 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 हा। क्या, 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 क्या नाम है इसका? सुदर्शन सिन्हा, सुदर्शन सिन्हा। अच्छा हो तुम यहाँ गए, अच्छा हुआ। क्या बात है भैया, बड़े खुश लग रहे हो। खुशखबरी बांटने के लिए बुलाया है या? बक्से लाओ। इतने रुपए और भी है मंत्री? कितने कितने कितने, इतने है कि गिनते गिनते उम्र बीत जाएगी। काम? चार आतंकवादी, बम ब्लास्ट किया था, जेल में है, अकाल के भाई हैं। अकाल? अकाल 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 वो शक्ति है जो किसी भी देश में कुछ भी कर सकता है। हाँ, उसको उसके चार भाई चाहिए, और वो काम सिर्फ तुम कर सकते हो सुदर्शन सिन्हा। गायत्री देवी ने कसम खाई है कि उन चार आतंकवादियों को वो मौत की सजा दिलवाएगी, और तुम गायत्री देवी के पार्टी के मंत्री हो, और तुम्हें राजनीति समझाना मेरे लिए मूर्खता है, समझ गए ना तुम? जब्बार, गायत्री देवी कोई हलवा नहीं है कि जब जी चाहा खा लिया। उसे पटाना लोहे के चने चबाना है। देखो देखो सुदर्शन सिन्हा, ये पूरा बक्सा तुम्हारा है, अब इसे तुम हलवा समझकर खा लो या लोहे के चने, ये काम तो तुम्ही को करना है। वरना मुझे तो सिर्फ एक ही रास्ता मालूम है, मौत। भाई सिर्फ मौत दे सकता है। अगर तुम उस गौरी को यानी के गायत्री देवी को मौत दे दो, तुम चीफ मिनिस्टर बन जाओगे सुदर्शन सिन्हा। फिर कितना आसान है तुम्हें उन चार आतंकवादियों को छोड़ना। भाई वाह जब्बार, तुम्हारा भाई तो हमारी तरह काफी समझदार है। बहुत समझदार। जब्बार भाई बोलो। जाने एक बुरी खबर है। क्या? होटल सम्राट को सर जॉन और उसके दो आदमी लूट के ले गए, और सारा कलेक्शन वो ले गए हैं। सर जॉन और उसके दो आदमी। ए ए बाप, देख देख आज तेरा फोटो में अपन ये हार चढ़ाया है, जनता काय को है मालूम क्या? ए वो इसलिए कि आज से अपन वो तेरा जब्बार वाला बदला शुरू कर दिया है, आधा बदला ले लिया तेरा। दो आदमी रखा तेरा वास्ते, समझा क्या? अच्छा आदमी है तेरा साला, आधा काम बजा डाला है। आज से तेरा आत्मा को शांति मिलेगा, अच्छा लगेगा तेरे को, समझा ना? हे बाप,
ये तेरे को क्या हो गया भाई? अचानक ये तेरा यमदूत जैसा शक्ल काय को हो गया? यमदूत तेरे पीछे खड़ा है। पीछे? तेरे पीछे। ओ कैसा है तुम? भाई को पकड़ता भाई। वो दो आदमी कौन है जिसे तू सम्राट ले गया था? ए, कौन सा दो आदमी? सर जॉन अकेला काम करता है, साला कोई आदमी नहीं था अपने साथ। ए, ए, कॉलो छोड़, कॉलो छोड़। चाटा आप, तू ऐसे नहीं मानेगा। सर जॉन, सर जॉन मर गया सारा। वाह, ये तो आपने कमाल कर दिया भाई। भाई, शहर में लड़कियां भी डाकू होती है? हाथ में पिस्तौल लेकर खड़ी थी, शायद कुछ लूटने आई थी ना? ये तो पहले से मेरा सब कुछ लूट चुकी है यार। अच्छा, ये जब उठेगी ना, शहनाइयां बजा देगी। क्यों? ये मेरी प्रेमिका है भाभी। भाभी, ए भाभी, भाभी, तू रिश्ते बाद में जोड़, पहले से होश में तो ला। हाँ, तुम इधर ही रुको, मैं दवा दारू लेकर आता हूँ। हाँ, अब मुझे दारू की जरूरत है और इसे दवा की। हाँ ठीक है, मैं अभी आया। हाँ भाई, भरा हुआ है, भर तो नहीं गई। दुनिया की तिजोरी में तू भी जा। यू बास्टर्ड, तूने मुझे मारा। मर गया सनी, कमीने, कहाँ भाग रहा है? बच गए। ए चुप, अबे क्या कर रही है तू? अपनी ससुराल को नुकसान पहुंचा रही है। ससुराल? इसे तुम मेरा ससुराल कहते हो और दिन भर अलग अलग लड़कियों के साथ घूमते हो? सिर्फ दिन भर नहीं, मैं रात भर भी घूमते रहता हूँ। अरे मत फाड़ मेरा तकिया, मत फाड़ मेरा गद्दा। अरे क्या कर रही है तू? तू मेरा सब कुछ फाड़ देगी क्या? आज तुम्हारा तो चीर हरण होगा। क्या? अरे अनु, कहाँ गया? अरे मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम मुझे? क्यों? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तेरे सिवा कोई नहीं है मेरे पास। अनु, मेरा यकीन कर। देख, इस दुनिया में एक ही चीज से मैं नफरत करता हूं और वो है झूठ। मैं झूठ ना तो बोलता हूं ना तो सुन सकता हूं। अब तू मुझे एक बात बता, तू कहाँ थी इतने दिन? सनी, तू मुझे इतना चाहते हो? भोला की कसम, मैं भोला की, मैं भोला। क्या फर्क पड़ता है? ओ सनी, लेकिन सनी, मुझे मारा किसने? वाह, ये तो आपने कमाल कर दिया भाई। भाई, शहर में लड़कियां भी डाकू होती है? हाथ में पिस्तौल लेकर खड़ी थी, शायद कुछ लूटने आई थी ना? ये तो पहले से मेरा सब कुछ लूट चुकी है यार।
अच्छा ये जब उठेगी ना शहनाइयां बजा देगी। क्यों? ये मेरी प्रेमिका है भाभी। भाभी ए भाभी भाभी तू रिश्ते बाद में जोड़, पहले से होश में तो ला। हाँ तुम इधर ही रुको, मैं दवा दारू लेकर आता हूँ। हाँ अब मुझे दारू की जरूरत है और इसे दवा की। हाँ ठीक है मैं अभी आया। हाँ भाई भरा हुआ है, भर तो नहीं गई। भाई हाँ? आ गया भाई। भाई भाई नमस्ते। हाँ ये मेरा भाई है। तुम्हारा भी कोई भाई हो सकता है? हाँ शक्ल से तो नहीं लगता लेकिन कहता रहता मेरा भाई है, और वो भी जुड़वा। कहता हाँ? नहीं हूँ मैं तुम्हारा जुड़वा भाई हूँ। हाँ? घर की बहू के लिए दवाई लाया हूँ। घर की बहू? आपने मेरा जिक्र किया। भाई का प्यार है, घर की बहू है ना। मेरे बाप पहले ही मेरे कलाई में राखी बांधी, अब गले में जयमाला भी डालोगे क्या? मैं आदमी हूँ या राशन कार्ड का ऑफिस? रिश्ते बढ़ाए जा रहे हो? देखा आपने कैसे बेरुखे से बात करता है, घर की बहू के साथ कभी ऐसे बात की जाती है क्या? नहीं नहीं रिश्ते बने ना इसलिए। आपको कितना अच्छा आइडिया है रिश्तों का, कितनी बारीकी से आप रिश्तों को समझते हैं। ये सनी कब समझेगा इनको ऐसे? ये मेरे साथ खंडाला जाएगा? खंडाला ख्याल भी बुरा है। प्लीज सनी, सनी प्लीज, दीदी वहाँ एड फिल्म की शूटिंग कर रही है। दीदी हाँ? अब तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं उस जहाज पे भी नहीं बैठूंगा जो खंडाला के ऊपर से जाता है। अरे अपना सर खुद ब खुद ओखली में डाल दूं, इतना बेवकूफ नहीं हूँ। नहीं भाई हाँ? हमें खंडाला जाना होगा, जिस कपड़े में मैं बाबूजी को लिपटा हुआ मिला था उसमें खंडाला का ही पता था, वही जाकर हमें माता पिता का पता मिलेगा। माता पिता? हाँ लगता है मैं बहुत जल्द एक अमीर आदमी बनने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जब भगवान चप्पड़ फाड़ कर देता है तो पहले ही सारे रिश्तेदार जमा हो जाते हैं। चलो अरे खूबजा खूबजा ये काय की बोली है, तू प्यार करी है गाली दे रही है? अरे बाबा खूबजा का मतलब है आई लव यू। ओ एक अरब को कहते हुए सुना था मैंने। अरब ने? बहुत अच्छे। You know, I'm so glad, सनी और भोला तुम मेरे साथ आए, वरना मैं कितनी बोर हो जाती। वो देखो वहाँ पे, दीदी की शूटिंग वहाँ चल रही है। Cut it!
जानती है और यह उसका भाई जुड़वा भाई भोला। नमस्ते। यकीन नहीं होता कि सनी का भाई और वो भी जुड़वा, जैसा कि अनु ने बताया। जी। इस लुच्चे लफंगे का कोई भाई भी हो सकता है और वो भी आप जैसा। देखा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाह रहा था। नहीं रहने दो भाई, ये जब देखो मेरी इज्जत की खिल्ली उड़ाती रहती। अरे अरे, जिसकी कोई इज्जत होती है उसे ही फर्क पड़ता है। अरे तेल लगाने जा। सनी, दीदी कितनी बार कहा है आपसे। सनी, सनी आपने अच्छा नहीं किया। आप बुरा मत मानिए, मैं सनी को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। आप सनी को नहीं जानती, हालात ने उसे ऐसे बनाया। जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है वो सनी बनता है। लेकिन अब आप देखिए, मैं आ गया हूँ ना, वो कैसे बदलता है। लेकिन तुम्हारी बहन की तकदीर बदलना मेरे बस में तो नहीं है ना। तकदीर? अगर तुम्हें मैं अपने तकदीर में या तुम सनी को अपने मुकद्दर में लिखवा कर लाती हो तो ये नसीब की बात हुई ना। अपनी किसी खास मजबूरियों में मैं तुमसे नहीं मिल पाता, मैं तुम्हें दुख देता हूँ, लेकिन आखिर घूम फिर कर तुम मेरे पास ही वापस आती हो। क्यों? जो गोलियां तुम सीधे मेरे सीने पे चलाती हो वो मुड़ क्यों जाती है? मोहब्बत तनु, एक दूजे के लिए वाला प्यार। लेकिन अगर तुम्हारी बहन हथेली पर मोहब्बत की लकीर खिंचवा कर नहीं लाई तो वो हमारी मोहब्बत से क्यों जलती है? क्या मतलब दीदी, हमारी मोहब्बत से जलती है? अरे इंडिया गेट की ना बुझने वाली आग की तरह। तुमने उसका असली चेहरा पहचाना नहीं, लेकिन इसमें तुम्हारी क्या गलती है? उसका चेहरा मेकअप के पीछे छुपा रहता है। विनी, तुम्हारे चेहरे का तो मेकअप उतर कर भी नहीं उतरता। विनी, आज तक जब तुम्हारी छोटी बहन तुम्हें पहचान नहीं सकी, इस आईने का कहां नसीब कि तुम्हारा असली चेहरा देख सके। लेकिन अब मुझे तुम्हारा असली रूप देख चुका है। आज मैं समझ गई कि तुम्हें मेरी खुशियां तो प्यारी हैं, मगर मेरा प्यार प्यारा नहीं है, लेकिन सनी मेरा है। ओ, तो ये सब तुम्हारे प्यारे सनी का ड्रामा है। सनी, सनी। नमस्ते जी।
दूध पिएगी? मैं आज उस सनी का खून पीऊंगी। कहाँ है सनी? भाई अपनी बहन से पूछिए। मेरी बहन तो शराब के नशे में धुत पड़ी है। छी 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 छी, ये शहर मासूम लड़कियों को कैसे बिगाड़ देता है। आप ठीक कह रही है, चाहिए हमारे भाई के पास चाहिए, वो आपकी बहन को अपने प्यार से सुधार देगा। मेरी बहन को शराब तुम्हारे भाई ने पिलाई है और पिला पिला कर उसने उसके दिल में मेरे लिए कितना जहर भर दिया है, जानते हो? आज उसकी वजह से हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और ये सब उस सनी की वजह से हुआ है। ऐसे नहीं हो सकता, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। दूध पियेंगी? गलत फहमी में तो तुम और मेरी बहन जी रहे हैं जो उससे प्यार करती है। मैं मानता हूँ मेरा भाई शरारती है, लेकिन आप ये भी जानती है कि उसका बचपन अनाथाश्रम और सड़कों पर गुजरा है। आज जब हम सब उसके साथ हैं, तो रिश्ते भी समझ जाएगा और प्यार भी। देखना 24 साल का खोया हुआ प्यार जब मैं उसे दूंगा तो भाई कितना प्यारा हो जाएगा। बोला तुम सनी से उम्मीदें बांधकर बहुत बड़ा दुख मोल ले रहे हो। भाई अगर दुख भी देगा तो सर आंखों पर, वो मेरे लिए दुनिया भर के सुख से बड़ा होगा। जैसा भी है तो मेरा भाई, एक ना एक दिन उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा और वो अपनी गलतियों की माफी मांगेगा। भूल जाओ भोला, सनी और अपनी गलतियों की माफी मांगेगा? वो मेरी बात नहीं टालेगा। भाई भाई क्या बात है भाई? अरे यार मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। काय को तकलीफ क्या है यार, माँ की तरह मुझे अपने गोद में बिठाना चाहता है। चक्कर क्या है, तू है कौन मुझे इतना बता। मैं तेरा भाई हूँ भाई। अबे काय का भाई, देख तू मेरा कोई नहीं है, मैं तेरा कोई नहीं हूँ, किस्सा खत्म। दिल के आजू बाजू तख्ती गाड़ कर साला कीला ठोक चुका हूँ कि अकेला था और अकेला रहेगा। तेरे को सब लोग क्या बोलते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन तू समझता नहीं यार। इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं तेरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, संभल जा। तो इस्तेमाल करना भाई, इस्तेमाल करना। आखिर एक भाई दूसरे भाई का इस्तेमाल कर रहा है ना। लगता है तू अपन का लाइफ का डिजाइन चेंज करके ही दम लेगा। हाँ मेरे दिल में तेरा प्यार ठूस ठूस के बना देगा इस यतीम को भाई वाला। आजा राखी बांध ले। Thank you.
रहना आँखों को सेंकते रहना दिल अपना फेंकते रहना मेरा इतना है कहना चकमंगनी पट ब्याह देख तू जल्दी कर ले यारा वरना कुड़िया होंगी नौ तो ग्यारह अरे लग जाने दे तीन सतों की धारा रहना आंखों को सेकते रहना दिल अपना फेंकते रहना मेरा इतना है कहना चकमंगनी पट ब्याह देख तू जल्दी कर ले यारा वरना कुड़िया होंगी नौ तो ग्यारह हर लग जाने पे तीन सतों की धारा कुड़ियों को देखते रहना आंखों को सेकते रहना दिल अपना फेंकते रहना मेरा इतना है कहना इतनी पुरानी फाइल नहीं ये नहीं ये है लो मिल गई अरे इतना संभाल संभाल के इन फाइल्स को रखता हूँ लेकिन मजाल है कोई इनकी धूल भी झाड़ दे कूड़ा समझ के फेंका गया है आखिर इतने वर्षों बाद काम आई गई ना सॉरी वेरी सॉरी ये 1973 की फाइल है ना जी नहीं 74 की फाइल है ये देखिए मैं सरकारी डॉक्टर हुआ करता था समझे आप अपनी फाइलें रिकॉर्ड्स वगैरह बड़े सलीके से रखने की मुझे आदत थी लोग मुझे इस बात के लिए बड़ा पसंद किया करते थे समझे आप जब रिटायर हुआ तो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की नौकरी मिल गई मैंने कबूल कर ली देखिए बुढ़ापे में आदमी जब निकम्मा होकर घर में बैठ जाए तो सचमुच बूढ़ा हो जाता है अरे आप देखिए तो सही इसमें जुड़वा बच्चों का कोई रिकॉर्ड है कि नहीं जरा तसल्ली से काम लो शहजादे आखिर दो हाथ हैं दो आंखें हैं और फिर तुम्हें तो महीने का पता नहीं मुझे तो एक एक कागज देखना पड़ेगा समझा साहब थोड़ा जल्दी देखिए ना देखिए मुझसे इससे ज्यादा जल्दी नहीं हो सकता आप तो घोड़े पर सवार होके आए हैं भाई 24 वर्ष पुराना रिकॉर्ड आखिर 20 मिनट में कैसे मिल जाएगा सर दिमाग से काम लीजिए अरे नहीं नहीं इसका कहना था कहीं हम आपकी मदद कर सकते हैं जी नहीं मेरे होते हुए इन कागजात को कोई हाथ नहीं लगा सकता ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है समझा डॉक्टर साहब आपके पास सिर्फ जुड़वा बच्चों की कोई अलग सी फाइल नहीं है अरे साहब कौन बनाएगा यहाँ सब मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले हैं मुफ्त और है? ये लीजिए साहब जुड़वा बच्चों का एक रिकॉर्ड है तो 3 अक्टूबर को पैदा हुए थे नहीं 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 ये जुड़वा बच्चे तुम दोनों नहीं हो सकते क्यों नहीं हो सकते वो यूं नहीं हो सकते कि जुड़वा बच्चे पैदा तो हुए थे लेकिन मरे वो पैदा हुए थे आपको यकीन है अरे मैं कोई कंपाउंडर से डॉक्टर नहीं बना हूं समझे मुझे पढ़ना आता है पढ़ा लिखा आदमी हूं और रिकॉर्ड मेरे सामने ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब देखिए ना अरे भाई मैं कोई अपनी मनगढ़ंत कहानी तो तुम्हें सुना नहीं रहा हूं जो इसमें लिखा है वही बता रहा हूं रिकॉर्ड में और क्या क्या लिखा है जो जुड़वे मरे हुए पैदा हुए थे उनके माँ बाप का नाम तो लिखा होगा ना हाँ होना तो चाहिए लेकिन कागज फटा हुआ यहाँ से हाँ भाई है तो माँ का नाम है जय
गायत्री देवी। गायत्री देवी? गायत्री देवी? हाँ। और पति का नाम था स्वर्गीय श्री शेखर कुमार और पिता का नाम स्वर्गीय श्री देव पुरोहित। देव पुरोहित, देव पुरोहित जी तो अपने पहले चीफ मिनिस्टर थे और हमारी मौजूदा चीफ मिनिस्टर उनकी बेटी हैं गायत्री देवी। गायत्री देवी हमारी चीफ मिनिस्टर? हाँ। लेकिन उनकी शादी कब हुई? लेकिन रिकॉर्ड तो उन्हीं के जुड़वा बच्चों का है, तारीख भी दी हुई है 3 अक्टूबर सन 1974। अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है तो इसी सन में देव पुरोहित जी के हादसे में मौत हुई थी। यस, आई बात समझ में? क्या? अगर हम हैं तो इसी गायत्री देवी की औलाद है, मुख्यमंत्री गायत्री देवी और उसके बेटे सूरज और सनी। पिता स्वर्गवासी, पति स्वर्गवासी, बच्चे अनाथ। वाह, क्या कीमत चुका ये चीफ मिनिस्टर बनने की। अब सारा खेल समझ में आ गया। क्या समझ में आया तेरे? कैसा किस्सा? किस्सा एक खुदगर्ज औरत का जिसका नाम है गायत्री देवी। भाई तू अनाप शनाप बात मत कर। अनाप शनाप? एक औरत ने अपने ख्वाहिश के जुनून में पहले अपने पिता फिर अपने पति को स्वर्गवासी बना दिया, फिर अपने बच्चों को सड़क पर पटक दिया ताकि कोई रिश्ता उसकी और मुख्यमंत्री के कुर्सी के बीच में ना आए। बकवास मत कर भाई, बकवास मत कर। सच्चाई जाने बिना, उसकी मजबूरी जाने बिना तू हमारी माँ के बारे में गलत बात मत कर। हमारी माँ? हमारी माँ, हमारी माँ। तुझे अपनी माँ से मिलने की बहुत ख्वाहिश है ना, फिर जा मिल अपनी माँ से। मिलूंगा। हाँ, लग जा उसकी सीने से। सूरज, वो स्टेट की मुख्यमंत्री है, वो तुझसे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, आखिर हम उसके औलाद है। मैं नहीं, जाना अपना घिनौना चेहरा इन तस्वीरों में मिस्टर सुदर्शन से ना। पिछले 20 साल से हमें शक था कि कोई हमारे नाम और पार्टी के रुतबे का फायदा उठाकर अपराध जगत पर मेहरबानियां कर रहा है। हमें जिन जिन पे शक था और जिन पे ज्यादा इतबार, जैसे कि आप, सबकी छानबीन शुरू करवा दी थी और नतीजा ये तस्वीरें। तस्वीर खींचने का शौक बहुत ही दिलचस्प शौक है गायत्री देवी, मगर हर काली सफेद तस्वीर में रंगीन पहलुओं पर खास गौर करना चाहिए। तस्वीरें बड़ी ध्यान से देखी गई हैं। अब आपके बदरंग पहलू पर गौर करना है सिन्हा साहब। जिस तसल्ली से आप जब्बार जैसे बदनाम अपराधियों की महफिल की शोभा बने हुए हैं, आपकी असलियत सामने आ रही है। सियासत के मामलों में अपराध जगत की अपनी अहमियत होती है। जब्बार त्यागी से मेरे ताल्लुकात का आपको कितना फायदा हुआ है जानती है ना गायत्री देवी? जब्बार त्यागी जैसे घटिया मुजरिमों की मोहताज नहीं। गायत्री देवी की पार्टी की बुनियाद है ईमानदारी। गायत्री देवी की पार्टी की कसौटी है लोगों की आस्थाएं, आशाएं। मैंने अपनी कुर्सी को माँ की गोद बना लिया है जहाँ मासूमियत के साथ छल कपट नहीं होते। लेकिन आपने मिस्टर सुदर्शन सिन्हा माँ के दूध में मिलावट करके उसका व्यापार किया है। ये ममतावादी माइक पर किसी भाषण में झाड़िएगा गायत्री देवी, बहुत तालियां पड़ेंगी। वो जब्बार त्यागी है जिसकी बदौलत आप पिछले 20 साल से स्टेट की सबसे ऊंची कुर्सी पर विराजमान रही हैं मुख्यमंत्री साहेबा। तो ठीक है, जब्बार त्यागी का किस्सा ही खत्म किया जाए, आपको पार्टी से बेदखल करके फिर चुनाव लड़कर देखा जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अंदर आने की? हिम्मत? अरे सिर्फ हिम्मत ही तो है हमारे पास, सिर्फ हिम्मत। और जब्बार सिर्फ हिम्मत की ही खाता है।
चीफ मिनिस्टर लोगों के वोटों की बदौलत बनी, लेकिन मैं अपनी दुनिया का चीफ अपनी हिम्मत के दम पर बना हूं। आप शेरनी शरीफ शहरों की, लेकिन मैं जुर्म के जंगल का शेर हूं, लिहाजा गायत्री देवी आप और हम मोहब्बत से रहें तो अमन और शांति रहेगी, वरना अगर कहीं जंगल चलकर शहर में आ गया तो बवाल हो जाएगा। जंगल के जानवरों की कहानी मत सुनाओ जब्बार, जो कहना है साफ साफ कहो। सुदर्शन सिन्हा मेरा खास आदमी है, जो कि आपकी पार्टी का कई सालों से पालतू बना हुआ है, तो इस हुकूमत में उसको अपनी मनमर्जी करने दीजिए। आपकी जो चीफ मिनिस्टर है वो बाकी सब पर आजमाइए, सुदर्शन पर नहीं। उसके और मेरे ताल्लुकात आपके किस काम आते हैं उन फायदों पर गौर कीजिए। और किया जब्बार, और किया। तुम्हारे और सुदर्शन सिन्हा के ताल्लुकात अब तक तो उतने साफ नहीं थे, पर अब बहुत सीधा ताल्लुक हो गया है। अब इसे मैं अपना सबसे खास काम बना लूंगी। ये हुई ना बात, बिल्कुल पते की बात की आपने गायत्री देवी। साथ मिलकर चलेंगे तो आप अपने तख्त पर तख्त रहेंगी और हम अपने सिंहासन पर विराजमान। तो लगे हाथ उन रास्तों का नक्शा भी बना दिया जाए जिन रास्तों पर हम साथ मिलकर चलने वाले हैं। साथ कैसे चल पाएंगे जब्बार, जब तुम और सुदर्शन सिन्हा कुछ ही दिनों में भूतकाल बन जाओगे। भूतकाल? मैं समझा नहीं। जब्बार, मैंने फैसला कर लिया है कि मंगलवार की पार्टी मीटिंग में सुदर्शन सिन्हा को पार्टी से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे जुर्म के जंगल पर रेगिस्तान का नक्शा खींच दिया जाएगा। अपनी कुंडली खराब मत करो गायत्री देवी, मेरी हिम्मत का नमूना तुमने देख लिया है। अगर मैं घर घुसकर तुम्हें चेतावनी दे सकता हूं तो समझ लो और क्या क्या कर सकता हूं। एक बेर देना। तुझे क्या हुआ रे, तू रो क्यों रहा है? और तेरा भाई कहाँ गया, वो हरामी? हरामी नहीं बोलना मेरे भाई को, हरामी नहीं बोलना। वो मेरा प्यार था, वो मेरा प्यार था। उसके जाने के बाद तो मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है। जाने के बाद किधर गया तेरा भाई? भगवान को प्यारा हो गया, उसे भगवान ने मुझसे छीन लिया। मुझे यतीम बना गया, मुझे हरामी को यतीम बना गया। मेरा भाई, मेरा भाई मुझे यतीम बना गया। ये रहा सीएम साहिबा का घर। हाँ, लेकिन तुम अंदर नहीं जा सकते, देखा कितनी सिक्योरिटी है। पर मैं इन सिपाहियों से बात करने की कोशिश करूंगा, शायद मुझे अंदर जाने दे। इतना आसान नहीं है, अगर तुम अंदर घुसने की कोशिश भी करोगे तो वो तुम्हें पकड़ सकते हैं। लेकिन कोशिश तो मैं जरूर करूंगा। कोशिश, कोशिश, कोशिश। गूंगे और बहरों का लफ्ज है, मुझे कोशिश नहीं अपने भाई चाहिए। अगर गायत्री देवी नहीं मानती तो तुम उसे खत्म कर सकते हो। जब्बार, हमने तो सुना है कि तुम इस देश के सबसे बड़े खलनायक हो। अगर तुम चाहते तो तुम उस गायत्री देवी का कत्ल कर सकते थे। अरे जब तुमने उसके पति, उसके बाप, उसके बच्चों को नहीं छोड़ा तो फिर उसे क्यों छोड़ दिया? ये सब मंत्री का दिमाग है, मैंने इसे तब भी कहा था, तब भी मैंने इसे कहा था, लेकिन हर बात को अपनी राजनीति के दिमाग से सोचता है। ये मंत्री, ये उस वक्त मुझसे भी सीनियर नेता थे। अगर गायत्री देवी सीएम नहीं बनती तो उनकी जगह कोई और सीएम बन जाता, इसलिए मैंने उसे सीएम बनाकर यह सोचा कि मैं उसके बाप का खास आदमी बनकर उसके साए में रहकर बहुत कुछ कर सकता हूं, और मैंने बहुत कुछ किया। और जिसका सबसे ज्यादा फायदा इस जब्बार को हुआ, पूछो इससे। नहीं हुआ, फायदा तो हुआ, मैं कब ना कर रहा हूं, फायदा तो हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गायत्री देवी को खत्म करने में हम सबकी भलाई है। आपको आपके भाई साहब मिल जाएंगे, आपको आपकी कुर्सी मिल जाएगी और मैं इस देश का बादशाह बन जाऊंगा। तुम बादशाह बनना और भले तुम नेता बनते रहना, पर मुझे मेरे भाई चाहिए। समझ लीजिए मिल गए, समझने में क्या है, समझ लीजिए मिल गए। आज हमारा खास आदमी
वो ऊपर तुम्हारे भाई बाप। चल के इन्फॉर्म करते हैं, चलो। भाई, अभी तो तुमने मेरी जान बचाई है। रवि, तेरी जान नहीं, अपनी जान बचाई है मैंने। अब कान खोलकर सुन ले, अब तेरी जान पर मेरा भी हक है, समझे? अगर ये सब करना था तो आया क्यों मेरी जिंदगी में दोबारा लावारिस बनाने? भाई तुम हाथ मत लगाना, अपने पास रख अपना प्यार। साला जुबान से भाई भाई करता फिरता है और हरकतें गैरों से भी बदतर। अने ऐसा क्या किया भाई? साला वहां क्यों गया था यार? मां से मिलने। भाई, मां से मिलने? वाह, अब वो सिर्फ तेरी मां हो गई, अकेले चला गया उससे मिलने? पहले तो बड़े जोर जोर से चिल्ला रहा था, हमारी मां, हमारी मां, हमारी मां, और अब क्या वो सिर्फ तेरा दिल है जो मां से मिलने के लिए तड़प रहा है? हां भोला, यानी कि तू साला मां वाला हो गया और मैं बिन मां का। हे, ऐसा क्यों कहता है भाई? हम दोनों की मां है, हमारी मां। देख भाई, तू एक बात अच्छी तरह से समझ ले। जब मैं बहुत छोटा था ना, तो जब जिसका मन आया मुझे अनाथ बनाकर चला गया और मैं कुछ नहीं कर सका। आइंदा तूने मुझे छोड़ने की कोशिश की ना, ए भाई, तेरे दिल में तो मुझसे भी कहीं ज्यादा प्यार है रे। सनी, तुम अपने भाई से तो बीच सड़क में मिल सकते हो गले, और अपनी होने वाली घरवाली से घर के अंदर भी गले नहीं मिल सकते। ठीक कह रही है, चलो अनु के गले लग जाओ। अरे तू फिर इमोशनल हो गई? अरे चुप, पहले वो तो बता जिसके लिए मैंने ढूंढ रहे थे। क्या 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 क्या? आई एम सो सॉरी सनी, सूरज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। भाई चल अंदर, इससे भी बेहतर तरीके हैं टाइम पास करने के लिए। सनी तुम मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे लिए कोई जरूरी खबर नहीं ला सकती? ए, अंडर वंडर क्या? मालूम था नहीं समझोगे, अंडर एस्टिमेट कम मकल वाली समझ। देखो क्या खबर लाई हूँ मैं। समझे कुछ? नहीं पढ़ पाओगे ना, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। चीफ मिनिस्टर टू अटेंड डांस शो। Thank you.
अरे सूट कोट पहनो या कुर्ता धोती, सोना चांदी पहनो या हीरे मोती, पास में हो कार तेरे या हो बेकार, लड़की तो दिल से, अरे लड़की तो दिल से पटती है यार, जानता है सारा I'm
कहीं तूने गायत्री देवी को किडनैप करवाने की जल्दबाजी तो नहीं की? ए, मैं पहले बोल रहा हूँ। हाँ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? नाम, नाम क्या है इसका? इसका नाम क्या है? ए जॉनी, ए जॉनी, ए क्या हो रहा है? तेरे क्या लाने को बोला था मैं? क्या क्या लाने को बोला था इसको मैं? एक मंत्री, मेन मंत्री, मेन मंत्री को लाने को बोला था, साला संतरे को उठा के लेके आया और एक गन तान के क्यों खड़ा है? क्या हुआ क्या इसका? जब्बार भाई, यही वो दो आदमी है जिसने होटल सम्राट में हमारे कले पर डकैती किया था। अच्छा, ये वही लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने जब्बार के गले में हाथ डालने की हिम्मत की। वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मैं तो तुम लोगों का चेहरा देखने के लिए कब से तरस रहा था, बहुत तरस रहा था मैं। मुझे लगता है ना, तुम लोगों को अवार्ड या ट्रॉफी देनी चाहिए। कसम से यार, कसम से, बहुत हिम्मत का काम किया तुमने, बहुत हिम्मत का काम किया तुमने। आयशी, यही है वो उस रात जो सीएम के घर पे था, जिस वक्त अपना किलर वहां गया था। अरे इसका लाइफ तो सारा लंबा है यार। लंबा बोले तो रेल के लाइन का माफी का ऐसा लंबा बिछा हुआ है। तू वहां क्या कर रहा था बे? एक फुट की लोहे की नली और डेढ़ इंच की बारूद की गोली ऊंट के मुंह में चीरा लगता है। मैं यहाँ क्या क्या कर सकता हूँ तू उसकी चिंता कर जब्बार। ए, तेरे को एक मिनट में जीना करने साला। जब्बार, तेरी ये पिस्तौल हमेशा चलने को उतावली क्यों रहती है? अरे तुरुप के दो दो पत्ते हमारे हाथ में हैं, तब भी तू बाजी हारने पर उतारू है? तेरी खोपड़ी में जो अकल है कभी उसका इस्तेमाल कर और सोच। अरे क्या सोच? अरे सोच सोच, इन दोनों टपुड़ियों का चीफ मिनिस्टर से क्या कनेक्शन है? सुदर्शन सेना के चेहरे पर से देशभक्ति का नकाब नोचकर आप सब पार्टी मेंबर्स के सामने उसका असली और घिनौना चेहरा सामने लाना ही आज की इमरजेंसी पार्टी मीटिंग का मकसद है। जब्बार जैसे गैर कानूनी तत्वों के साथ वफादारी और पार्टी और मुल्क के साथ गद्दारी करने का सबूत इन तस्वीरों में छुपा है। इनके स्वर्गवासी पिता के समय से जो मैंने पार्टी की सेवा की है उसका मेवा इनकी बिटिया ने टेबल पर सजा दिया है। बहुत खूब, बहुत खूब। पार्टी का रुपया पानी की तरह बहाकर ट्रिक फोटोग्राफी की मदद से झूठ को सच साबित करने की कोशिश की गई है, लेकिन झूठ के तो पैर ही नहीं होते। पर मेरे कैमरे ने कुछ ऐसे सबूत हासिल किए हैं जो इनके लिए एक बहुत ही बड़ी कड़ी सच्चाई साबित होंगे। देखना चाहेंगे आप लोग? देखिए देखिए। अब जाहिर सी बात है कि पार्टी मेंबरों के लिए तय करना मुश्किल होगा कि इनमें से कौन सी तस्वीरें असली हैं और कौन सी नकली, क्योंकि तस्वीरें तो बेजुबान बेजान सी होती हैं, लेकिन मेरी तस्वीरों में जान भी है और जुबान भी, ये बोलती भी हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि क्या रिश्ता है उनका उन दो कौड़ी के टपोरियों से जो शहर के होटलों को लूटते हैं, या फिर क्या रिश्ता है उनका उस लड़के से जो शहर की गाड़ियों को चोरी करता है, और जिन दो लड़कों की खूबसूरत तस्वीरें हर पुलिस स्टेशन की शोभा बढ़ा रही हैं? क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगी? क्या अनाप शनाप बक रहे हैं आप? गायत्री देवी सिर्फ बोलती हैं, लेकिन मैं सिर्फ बोलता ही नहीं, दिखाता भी हूं। इंस्पेक्टर राजेश, ये दोनों मैं इन्हें नहीं जानती,
या यूं कहिए कि सबके सामने आप जानना नहीं चाहती। अच्छा ये बताइए कि जिस रात आप पर हमला हुआ था तब ये लड़का आपके घर में मौजूद था या नहीं? मौजूद था। दरअसल वो हमला हमला नहीं था बल्कि जनता के जज्बात के साथ खिलवाड़ था, पब्लिक सिंपथी बटोरने के लिए एक बहुत ही घटिया सा नाटक था। झूठ है ये सब। ये आदमी क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है ऐसे? दरअसल मैं अपनी मां से मिलने गया था। गायत्री देवी हमारी मां है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे मेरे कोई बच्चे नहीं है। जब मेरी कोई औलाद ही नहीं है तो मैं किसी की मां कैसे बन सकती हूं? मां रहने दे भाई, ये औरत हमारी मां बनने के लायक नहीं है। तुम किसी की भी मां नहीं हो सकती। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मां नहीं हो सकती। ये सब मेरे खिलाफ सुदर्शन सिन्हा की चाल है जिनमें ये दोनों शामिल है। गिरफ्तार कर लो इन्हें। ये तो क्या कह रही है मां? मां तेरे बच्चे हैं। मां 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 गायत्री देवी जी, ये सब क्या है? सच्चाई क्या है? ये है मेरा मैरिज सर्टिफिकेट, मेरा मंगलसूत्र, और ये मेरे कोख से हुए मेरे मरे बेटे का डेथ सर्टिफिकेट। अगर मांग में सिंदूर भरना पाप है, अगर पत्नी बनकर कोख सजाना गुनाह है, तो मैं गुनहगार हूं। आप मुझे सजा ही नहीं, सूली पर चढ़ा दीजिए। क्योंकि जब मेरे भाग्य ने मुझे उजाड़ा था, तब आप ही ने मुझे सहारा दिया था। अरे ये तो कमाल की औरत निकली है? तुम्हारी गेंद सीधा पब्लिक के अंदर फेंक दी, क्या खेल खेला है? अरे मुझे हैरत इस बात की है कि ये सर्टिफिकेट इसके पास आए कहां से? अरे ऐसे भोले सवाल मत कर सुदर्शन सिन्हा। तू जैसे अपने आप को राजनीति का बादशाह समझता है ना, वैसे राजनीति की रानी है रानी वो। तूने जैसे उसके जिंदा बच्चों को मरवा कर झूठा सर्टिफिकेट पेश किया था, उसे यकीन दिलाया था कि उसके मरे हुए बच्चे पैदा हुए थे, उसी तरह आज उसने पब्लिक को यकीन दिलाया कि वो भी कभी सुहागन थी। अरे ऐसा बोला ऐसा, ये इतिहास मत पढ़। अरे इतिहास तो अब अकाल हमारा लिखेगा जब उसे इस बात का पता चलेगा कि हमने नाकामयाबी की सीढ़ी पर पैर रखा है। भाई सुदर्शन सिन्हा जागो, अपना चक्र चलाओ। उसके चार भाइयों को किसी भी हालत में रिहा करना है। क्यों, अब तेरा बुखार उतरा या नहीं? मां 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 मां, अरे मैं रोक रहा था मगर नहीं, तू खींचते जा रहा था, खींचते जा रहा था इस सपने को। अरे इतना कचरा तो गैरों ने नहीं किया जितना तेरी मां ने किया। लाडले बनने चले थे, ये ले मुंह धो और इस सपने को अपनी आंख से मैल की तरह धो डाल। तो आइंदा या तो मेरे सामने मां का जिक्र कभी नहीं करेगा या मेरे सामने कभी नहीं आएगा। अरे तूने ही तो मां का भूत मेरे सर पे सवार किया है, भेजा खा गया मेरा। अपुन भी तेरे साथ मामा करके बहुत मीमिया है, जुबान का जायका खराब हो गया। अब तू भी सुन भोले, अपने दिल से निकाल कर फेंक दे ये मां से मिलने का सपना। सनी, ए भाई अपनी तरफ देख, मां ना मिलने का दुख मुझसे ज्यादा तो तुझे हो रहा है। लेकिन सनी, अपनी मां अपने को मिलेगी, जरूर मिलेगी। बारूद से भी खतरनाक होता है ये मां शब्द का नाजायज इस्तेमाल। तुम्हारे झूठ ने मुझे झिंझोड़ के रख दिया। न जाने कितने पुराने आंसू आज इन आंखों ने बहाए। मेरे बड़े हुए बेटों का मातम दोबारा मनाने पर तुम दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया। तुम्हें भी तो किसी मां ने बड़ी ममता से जन्म दिया होगा। इस मां को दर्द देने का गुनाह
क्या वो माँ तुम्हें माफ कर देगी? तुम बच्चों की भी तो कोई माँ होगी। होगी नहीं, है। हमारी माँ जिंदा है। मैं मानता हूँ आप हमारी माँ नहीं है, लेकिन एक पल के लिए हमें अपना बेटा समझकर हमें माफ कर दीजिए। मैं जानती थी तुम बुरे नहीं हो, गुमराह हो गए हो। सुदर्शन सिन्हा ने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता, फिर कभी किसी माँ को दुख मत देना। मुझसे कोई मदद चाहिए तो बोलो। और कुछ नहीं, बस आशीर्वाद दीजिए कि हमें हमारी माँ मिल जाए। इन बेटों को उस माँ की जरूरत है। इंस्पेक्टर, इन दोनों को रिहा कर दो। बोले, इतने परेशान क्यों हो? गायत्री देवी ने तुम्हारी मां बनने से इनकार कर दिया तो क्या हुआ? इस बाप की गोद तो हाजिर है ना तुम्हारे लिए। नाजायज बाप बनने के शौक में कहीं तूने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया ना सिन्हा, तो तेरी छाती के अंदर से तुझे तेरी पीठ दिखाई देगी। जबान को लगाम दो। लगाम तो फिलहाल हमारे हाथ पांव पे पड़े रहने दो। जब तक सिर्फ जुबान चल रही है तुम्हारी खैरियत है। हमें मोहरा बनाकर हमारा गलत इस्तेमाल किया, परवाह नहीं। लेकिन माँ के दर्जे का गलत इस्तेमाल करके जो दुख तुमने गायत्री देवी को पहुंचाया, दोबारा दोहराए तो कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। आइंदा मौका तो तब आएगा जब तेरी तकदीर में अगली सुबह लिखी होगी। बोले, सुदर्शन सिन्हा से ऊंचे सुर में बात करके तूने अपने मुकद्दर पर काला पेंट पोत दिया। इन बाजारू लोगों का डर तुम मुझे दिखा रहे हो, जो बाजू में फौलाद लिए फिरते हैं। कनपट्टी पे पिस्तौल ऐसे लग रही है जैसे कान में मक्खी आप बिन बिना रही हो। सिन्हा, एक बात कील की तरह अपने दिमाग में काट दो। अगर एक कदम भी गायत्री देवी की तरफ बढ़ाया तो दूसरा कदम जमीन पर रखने से पहले हवा में खाक दिया जाएगा। भले ही गायत्री देवी के बेटे की मौत हो चुकी हो, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए माँ का दर्जा पैदा हो चुका है। बाप तो फिर भी नाजायज निकलते हैं, लेकिन माँ कभी नाजायज नहीं होती। तो मेरी माँ जैसी गायत्री देवी को अपनी गंदी सियासी चालबाजों से दूर रखना, वरना कहीं मेरा हाथ उठ गया तो रुकेगा तेरी आरती को शमशान की तरफ भेज कर ही। ये कमबख्त तो असली से भी ज्यादा सजा हो गया। इस सच्चाई को 24 साल तक कैद में रखा, उसका अचानक भोले को कैसे पता चल गया? ये तो सर पर नया खतरा कौन सा मोल लेकर आ रहा है? गायत्री देवी की औलादे। नहीं यार, नहीं, नहीं, तुम्हारा ऊपर वाला मारा बिल्कुल खिसक गया है। गायत्री देवी की जिन औलादों को हमने मारा था उनका खतरा तुम्हें कितने साल 24 साल के बाद महसूस हो रहा है? मारने की जिम्मेदारी ना तेरी थी ना मेरी, ये जिम्मेदारी तेरे भाई को सौंपी थी। तो क्या कहना चाहता है तू? मेरे भाई ने जिम्मेदारी निभाई नहीं? इसका फैसला तेरे भाई से मिलने के बाद होगा। अरे अरे, कहां गया मेरा भाई? तेरी जुबान में बोलू भाई, तेरे दिल में क्या चल रहा है
है ना कि जब तू अकेला था तब बड़ा सुखी था, आंखों में आंसुओं का सिस्टम ही नहीं था, और जब से मेरे चक्कर में पड़ा है तो दुख ही दुख है। देख भाई, जब रिश्ता जिंदगी में आता है तो सात आंखों में आंसू और दिल में दर्द लेकर आता है। दूसरों से कितना सुख मिलता है भाई। सुख बहुत सुख दिया है गायत्री देवी ने मुझे। अरे इतना सुख कि मैं छुपकर रोया था। गायत्री देवी, अरे जो औरत इतनी संदिल है, जो दो बेकसूर मासूम बच्चों को पैदा करके फेंक सकती है और फिर कहती है कि बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे, उससे ममता की उम्मीद? हम भले जिंदा हैं भाई, मगर वो रिश्ता 24 साल पहले मर चुका है। मर चुका है पर वो जिंदा है, इसीलिए अपन भी जिंदा है। सॉरी भाई, लगता है ये भी हमारी तरह किसी को। सुन मेरे भाई, सुन सुन ओ मेरे भाई, सुन मेरे भाई, सुन मेरे भाई। मतलब के बिन यहाँ किसका कौन है? हर हाल में तुझको है जीना, जीने कुछ कम न कर, दुनिया के ऐसे तैसे। सुन मेरे भाई, सुन सुन ओ मेरे भाई, सुन मेरे भाई, सुन मेरे भाई। हर दुनिया तुझे ठुकराए कर, परवाह न कर, दुनिया की ऐसी तैसी। सुन मेरे भाई, सुन सुन ओ मेरे भाई, सुन मेरे भाई, सुन मेरे भाई। दुनिया तुझे ठुकराए कर, परवाह न कर, दुनिया की ऐसी तैसी। वाह, आवाज तो मर्दों जैसी निकाल लेते हो, पर तुम्हारी नामर्दान के किस्से अब अखबारों में भी छपने लगे हैं। खलीफे समझते हैं अपने आप को शहर का, और तुम लोगों से एक औरत का शिकार नहीं हो पाया। नहीं जाने वो औरत किस मिट्टी के बनी अकाल भाई। भाई मत बोल। नहीं भाई नहीं, मत निकाल अपने मुंह से ये अल्फाज। खून खोल उठता मेरा, खून खराबा कर गुजरने को दिल करता है। वहां चार चार मेरे भाई जेल में कैद है, वहां वो तड़प रहे हैं और यहां मैं झटपटा रहा हूं। इतना बेबस अकाल पहले कभी नहीं था। हम आपकी नाराजगी समझता है अकाल। गनीमत समझो कि तुम अभी मेरा गुस्सा नहीं जानते। जिस दिन मेरा दिमाग फिर गया ना, वो जो करोड़ों रुपया तुम लोगों ने मेरा हजम किया है, एक में हाथ डालकर अंतरिया समेत निकाल लूंगा। अकाल, सिर्फ एक रुकावट है, एक, और वो है गायत्री देवी। ये रुकावट हट जाए तो समझो तुम्हारे चारों भैया बाहर। यूं तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं सुदर्शन सिन्हा कि गायत्री देवी की मौत के बाद और मेरे भाइयों की रिहाई से पहले तुम चीफ मिनिस्टर बन जाओगे। वैसे भी तुम उस गद्दी पर बैठने के लिए कुछ जरूर से ज्यादा मचल रहे हो, पर मुझे परवाह नहीं, मुझे सिर्फ अपने भाई चाहिए। वैसे मेरे आदमी ने अपनी रिवॉल्वर में गायत्री देवी के नाम की मौत भर ली है।
तू भी अपन जैसा हो गया, सारा रिश्तों का एहसास मुझ में जगाकर खुद हार कर सो गया। चलो अपनी दुनिया में लौट चलते हैं, वहां ना कोई गम, ना कोई रिश्ते, ना कोई मां, सिर्फ सुख ही सुख ही सुख। और तेरी दुनिया में सिर्फ दुख दुख और दुख। अब दोबारा ध्यान से सुनो, कल तुम्हें मुख्यमंत्री गायत्री देवी का कत्ल करना ही करना है। ये नहीं तुम्हारी पेश की बाकी काम खत्म होने पर we'll be right back.
पीछे के रास्ते से क्यों आता है? सीएम साहिबा से मिलना है। हाँ चल पहले इधर बता क्यों मिलने का सीएम को। चल इधर बता। देखिए साहब सीएम साहिबा की जान खतरे में, मुझे ऊपर जाना है। पुलिस वाले चल अपने को संभाल ले। चल साहिबा, आप पर ये हमला किसने किया? ये तो पुलिस की छानबीन के बाद ही पता चलेगा। मैडम कौन थे वो दो लोग जिन्होंने आपको बचाया? उनसे मुलाकात है, जान पहचान नहीं। कौन है वो दोनों ये मैं नहीं जानती, लेकिन किसी माँ ने बड़े नाज से उन बेटों को जना होगा। अगर कभी मैं मां बनती तो भगवान से ऐसे ही बेटों की कामना करती। गोरे! ओ गोरे! छोड़ो मेरे को, मैं जानता हूं इसको। अरे ये गौरी है, गौरे! छोड़ दो इसे। तुम्हें मेरा ये नाम कैसे मालूम? और से देख मुझे, वो खंडाला का हॉस्पिटल, दो बच्चे रोते हुए। उन बच्चों से मेरा क्या ताल्लुक? अरे मरते वक्त कोई झूठ नहीं बोलता। मेरे भाई जब्बार ने ये दोनों मेरी और सुदर्शन सिन्हा की जिंदगी की रुकावटें हैं। खत्म कर दो इन्हें। जुड़वा, आप पैदा भी किए तो दो पालतू, मगर इनकी शक्लें? तुम्हें इनकी शक्ल सूरत से क्या करना है? हैरी जितना बताया गया उतना करो, खत्म कर दो इन्हें। तो क्या वो मेरे बच्चे? हाँ वो बच्चे तेरे हैं। सनी और भोला तेरे बच्चे हैं गौरी। तूने जिंदा बच्चों को जन्म दिया था, मैं उन्हें मार नहीं पाया, अनाथ आश्रम की सीढ़ियों पर छोड़ आया था। आज जिन्होंने तेरी जान बचाई वो तेरे ही बच्चे हैं। सुदर्शन सिन्हा और जब्बार ने मिलकर ये खेल रचा था, तेरे पिताजी का भी खून उन्होंने ही करवाया। मुझे माफ करना गौरी,
मुझे माफ करना। मेरे बच्चे। भाई, ए भाई, क्या हुआ? रिश्ते, रिश्ते कितने जरूरी हैं मुझे पता नहीं था, लेकिन आज अपनी मां के कलेजे से लगने के बाद पहली बार मुझे महसूस हुआ कि रिश्ते कितने जरूरी होते हैं। मेरे भाई, हमें हमारी मां मिलेगी ना? जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? हम उसके बच्चे हैं, औलाद हैं हम उसकी। सनी, भोला, अपनी मां की आवाज सुन रहे हो ना? सनी, भोला, तुम मेरे बेटे हो। जल्दी से आकर अपने मां के सीने से लग जाओ। 24 साल की ममता का कर्ज मेरे सर पे है, अब मुझे वो चुकाना है। तुम्हारी मां बाहें फैलाए तुम दोनों का इंतजार कर रही है, जल्दी से आ जाओ। क्या हुआ एक्सपर्टो साहब? सीएम साहिबा किडनैप की जा चुकी है। क्या? और अगवा करने वालों की मांग है कि उनके चार गिरफ्तार साथियों को फौरन रिहा कर दिया जाए। ये सब कैसे हुआ इंस्पेक्टर साहब? अब भगवान ही जाने साजिश के पीछे किसका हाथ है। सुदर्शन सिन्हा, सुदर्शन सिन्हा। सर, अब आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उन चार आतंकवादियों के बारे में आपने क्या सोचा है? सोचना क्या है भाई, हमारी राजनीति में सबसे पहले देश आता है। उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें सजा मिलेगी, यह हमारा फैसला है। और गायत्री देवी, उन्हें बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? गायत्री देवी गायत्री देवी जो है वो उन लोगों से मिली हुई है, और ये जो किडनैपिंग का नाटक है ये सब उन्हीं का तो रचाया हुआ है। झूठ बोल रहा है वो। ये दो लफंगे गायत्री देवी की हर साजिश में शरीक हैं। गिरफ्तार कर लो इन्हें। ले, तेरे चक्कर में गिरफ्तार भी हो गए। हम गिरफ्तार नहीं हुए भाई, हमने गिरफ्तारी दी है। मतलब? कल वो चार आतंकवादियों की अदालत में सुनवाई है, और हमारी भी पेशी कल ही है। हमें किसी भी तरह उन चार आतंकवादियों को अगवा करना है। वो लोग खुद ब खुद हमें ढूंढने आएंगे, हमारा काम हो जाएगा। अरे वाह, तू तो अपन की तरह सोचने लगा है भाई। भाई हो ना। जब्बार, पलट गया तुम्हारा वो सुदर्शन सिन्हा। हरामजादा कहता है कि मेरे भाइयों को अब नहीं छोड़ेगा, उन्हें फांसी पर चढ़ाएगा। अरे हाँ हाँ अकाल, पहले तो वो हमारे लिए खेल खेल रहा था। मंत्री है ना, राजनीति पॉलिटिक्स, लेकिन अब हमारे खिलाफ खेल खेल रहा है। अब आप बताइए, आदमी किस पर भरोसा करे? लेकिन तुम मेरी एक बात पर भरोसा रखना, जिन भाइयों को बचाने के लिए मैंने करोड़ों रुपया बहाया, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं शहर में उतना ही खून बहा दूंगा, और पहला खून का कतरा तुम्हारा होगा। जाओ जबार, जाओ मेरे भाइयों को लेकर आओ, कहीं मेरे कहर का तेजाब तुम लोगों पर न गिर पड़े।
इंस्पेक्टर, किडनैपिंग आसान थी या मुश्किल? जैसा आपने हुक्म दिया था उतना ही आसान कर दिया उन दोनों के लिए सिन्हा साहब। सिन्हा साहब नहीं, मुख्यमंत्री जी कहो। अब देखना कितनी आसानी से वो चार अकाल के भाई और दो गायत्री देवी के बेटे वैन में लगे टाइम बम के धमाके से यूं उड़ जाएंगे। और उन चारों की खबर सुनते ही अकाल गायत्री देवी और जब्बार को भूतकाल बना देगा, वो भूतकाल और हम मुख्यमंत्री भविष्यकाल। भाई अब क्या? लगता है हमारी मंजिल आ गई। बस अब चालाक हो हाँ? मेरे ही शिकार को लेकर भागने की कोशिश कर रहे हो। खैर मेरा काम तो तुमने आसान कर दिया। लाओ अकाल के चारों भाइयों को मेरे हवाले कर दो। लाओ अकाल के चारों भाई तुझे मुबारक हो, हमें हमारी मां दे दे और उन चारों को तू ले ले। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे ये तो तेरी मां का ही लफड़ा है। अगर हम तुम्हें तुम्हारी मां दे दें तो वो क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, वो हाँ सुदर्शन सिन्हा मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? अरे मैं इस देश का बादशाह कैसे बनूंगा? ए, तो बाजू हट हट, अबे हटना। नहीं हटेंगे क्योंकि हमें अच्छी तरह पता था कि इन चारों को बचाने के लिए कोई ना कोई आएगा जो हमें हमारी मां तक पहुंचाएगा। तू तो हमें इस लोहे की नली से डरा रहा है। ये नली क्या कर सकती है? इन दोनों को जरा नमूना दिखाओ। देखकर चार भाइयों को लेकर आया हूं। इनके चेहरे ढके हुए क्यों हैं? क्योंकि इनके सर पर मौत का साया है। ये क्या तमाशा है जब्बार? गायत्री देवी इसकी मां है अकाल, इसलिए इसलिए तुम्हारे भाइयों को इसने अपने कब्जे में कर लिया है। तेरे भाई तुझे मुबारक हो अकाल, लेकिन तू मेरे मां को मेरे हवाले कर दे। मुझे तो सिर्फ अपने भाई चाहिए बरखुरदार। मैं को नई पार्टी नहीं बना रहा हूं जिसके लिए मुझे गायत्री देवी की जरूरत है। तुम अपनी मां को ले जा सकते हो। अकाल
शाह जब्बार के इन चार आदमियों को तूने अपना भाई बना लिया? क्या मतलब? तुझे तेरे भाई ऐसे लगते हैं? मेरे भाई कहां है जब्बार? जो लगातार तेरे साथ गद्दारी करता आया है, फिर उसी से वही सवाल? मैंने तुझे कितनी बार जताया और आज साबित भी कर दिया, जब्बार ने गायत्री देवी के बेटों के साथ मिलकर तेरे भाइयों का क्या हश्र किया? क्या किया? क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूं क्या किया है। सारा शहर देखेगा और वो तेरी कुर्बानी से शुरू होगा जब्बार। बचा दे इस शहर में कत्लेआम, मैं भी तेरे साथ हूं, लेकिन तीन कुर्बानियों के बाद इसका भी एक भाई है, यह भी अपने भाई से उतना ही प्यार करता है जितना तू अपने भाइयों से करता था, वो भी यहीं कहीं छुपा हुआ है। अपने भाइयों की मौत का हिसाब ले ले, पटक दे इसके आगे इसके भाई की लाश। तेरा भाई नहीं मिल जाता तू कोई होशियारी नहीं करेगा, वरना तेरी मां जो मेरे कब्जे में है उसे खत्म कर डालूंगा। कहां है तेरा भाई? चल रही, माफ करना।
इसे भी इसके मां के पास। चलो।
हाँ 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 ना मुन्ना ना, ज्यादा होशियारी नहीं, शांति शांति। शराफत से अपनी माताजी को मेरे हवाले कर दो, वरना ये जॉनी तेरी और तेरे भाई की माशूका का क्या हशर करेगा, तू जानता है। आइए आइए भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी, आइए। सुदर्शन सिन्हा, अगर मेरी मौत से तुम्हें फायदा है तो ठीक है, इन बच्चों को इधर भेज दो। ये तो दुनिया का बहुत पुराना उसूल है मुख्यमंत्री जी, इस हाथ दे उस हाथ ले। माँ मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? देखिए हम दोनों जुड़े हैं, हमारे बच्चे जुड़े हैं। भोले के बच्चे बिल्कुल भोले पे गए राम और श्याम की तरह, और हमारी बच्चियाँ बिल्कुल हम पे गई हैं सीता और गीता की तरह। लेकिन हम दोनों में इतना फर्क क्यों है? क्योंकि मैं मेन आइटम हूँ और आप गिफ्ट। अच्छा, जैसे कोलगेट का बड़ा पैकेट और छोटा पैकेट। बाबा लाइन मार ले, लाइन मार ले रे बाबा लाइन मार ले, अरे लाइन मार ले रे बाबा लाइन मार ले, लाइन लाइन मार ले रे बाबा लाइन मार ले। तुझको जो पसंद हो इस पे दिल हार ले, तुझको जो पसंद हो इस पे दिल हार ले। चार दिन की है जिंदगानी मस्तानी है, चार दिन की है जिंदगानी मस्तानी, ये जवानी है दीवानी इस प्यार में गुजार ले। तुझको जो पसंद हो उस पे दिल हार ले, तुझको जो पसंद हो उस पे दिल हार ले। चार दिन की है जिंदगानी मस्तानी, ये जवानी है दीवानी इस प्यार में गुजार ले। रिक्शा में, रिक्शा में, कार में, कार में, बस में, ट्रेन में, रिक्शा में, कार में, क्लब सिनेमा होटल बियर बार में, क्लब सिनेमा होटल बियर बार में, गली में, मोहल्ले में, चौक में, बाजार में, स्कूल में, कॉलेज में, शादी त्योहार में, स्कूल में, कॉलेज में, शादी त्योहार में। जिसको जहाँ मौका मिले, अरे जिसको जहाँ मौका मिले, मारे वही लाइफ।
स्माइल, लाइन हो जो क्लियर तो कहे यू आर माइल। चार दिन की है जिंदगानी, मस्तानी ये जवानी है दीवानी, इसे प्यार में गुजार ले। ऑफिस में, पार्क में, खुली सड़क पे, हर एक दुकान में, खुली सड़क पे, हर एक दुकान में, बूढ़े जवान यहाँ लाइन सभी मारते, फैशन है अब ये सारे हिंदुस्तान में, फैशन है अब ये सारे हिंदुस्तान में, हर जगह लाइन का, अरे हर जगह लाइन का ही चक्कर है यारो, डरो नहीं दुनिया से खुल के लाइन मारो। चार दिन की है जिंदगानी, मस्तानी ये जवानी है दीवानी, इसे प्यार में गुजार ले। अरे चकमंगनी पक ब्याह देख तू जल्दी कर ले यारा, वरना कुड़िया होंगी नौ तो प्यारा। मंगनी पक ब्याह देख तू जल्दी कर ले यारा, वरना कुड़िया होंगी नाव तो प्यारा। और लग जाने पे 300 की धारा, कुड़ियों को देखते रहना, आंखों को फेंकते रहना, दिल अपना फेंकते रहना, मेरा इतना है कहना। चकमंगनी पक ब्याह देख तू जल्दी कर ले यारा, वरना कुड़िया होंगी नाव तो प्यारा। लग जाने पे 300 की धारा, कुड़ियों को देखते रहना, आंखों को फेंकते रहना, दिल अपना फेंकते रहना, मेरा इतना है कहना। मंगनी पक ब्याह देख तू जल्दी कर ले यारा, वरना कुड़िया होंगी नौ तो प्यारा। चकमंगनी पक ब्याह देख तू जल्दी कर ले यारा, वरना कुड़िया होंगी नौ तो प्यारा। और लग जाने पे 300 की धारा, कुड़ियों को देखते रहना, आंखों को फेंकते रहना, दिल अपना फेंकते रहना, मेरा इतना है कहना। चकमंगनी पक ब्याह देख तू जल्दी कर ले यारा, वरना कुड़िया होंगी नौ तो प्यारा। और लग जाने पे 300 की धारा, कुड़ियों को देखते रहना, आंखों को फेंकते रहना, दिल अपना फेंकते रहना, मेरा इतना है कहना।